कितने सेलिब्रिटीज है यहाँ पे, उनको कोरोना हो गया, आई एम फीलिंग सो सैड। बस मैं तो सच कहती हूँ, ऊपर वाले से अपने पापों की क्षमा मांगी है। सब लोग मास्क पहनना प्लीज। हाँ बोलिए। ओके राजू जी, सबसे पहले तो वर्कआउट हो गया है, काफी लंबा वर्कआउट था, किस चीज की तैयारी चल रही है? अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मतलब कुछ अलग। अरे तैयारी तो बहुत सारी चल रही है, मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन ये कोरोना ने ना जीना हराम कर दिया है। ये कोरोना कहीं मुझे मिल जाए तो मैं उसका उसका गला घोड़ दूँ। अभी मुश्किल से हमने बिग बॉस से बाहर निकले, अभी करियर शुरू हुआ है, इतना काम है, इतना जिम अभी शुरू हुआ है, मुझे रोना आ रहा है कि अब कल से जिम नहीं जा सकते, जिम बंद हो रहा है, कितने सेलिब्रिटीज है यहाँ पे, उनको कोरोना हो गया, आई एम फीलिंग सो सैड। कल से फिर से घर में बैठो। मैं सबको यहाँ पे पकड़ पकड़ के बोलती हूँ मास्क पहनने के लिए, सैनिटाइजर में हाथ धोने के लिए, और जिम में भी मैं लिटरली बहुत स्ट्रिक्ट, मास्क पहन कर ही मुझे कभी कोरोना नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बहुत प्रिकॉशन ले रही हूँ, मैं जिम कर रही हूँ, अगर बाहर जिम नहीं तो घर में योगा कर रही हूँ, और प्रॉपर खाना खा रही हूँ, सिर्फ आलू के पराठे नहीं दबा रही हूँ और चावल नहीं दबा रही हूँ, मैं सलाद खा रही हूँ। अपना ख्याल खुद को ही रखना है, इन्हों नॉनवेज इतनी गर्मी में नॉनवेज थोड़ा कम करना है, ज़्यादा पानी पीना है ढेर सारा, खुद का ख्याल खुद को ही रखना है, पड़ोसी अपना ख्याल रखने नहीं आएगा। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों को ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको कोरोना होता है तो आपको डरना नहीं है, डॉक्टर के पास जाना है या फिर अपने आप को आइसोलेट करके घर में बैठना है। बहुत सारे लोग मस्त लगा, तेरा चाचा है कोरोना, मामा काका है, पड़ोसी है जो तुझे नहीं होगा, तो आप कौन है भाई? हो गया ना, ठीक है। तो मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ हाथ जोड़ के कि दोस्तों कोरोना को भगाना है, हमारे देश से कोरोना कब भागेगा? तो जो लोग भी झूठे सर्टिफिकेट बना रहे हैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि कोरोना के झूठे सर्टिफिकेट ना बनाए, लोगों को ना बचाए। बहुत सारे लोग जो है कोरोना के झूठे सर्टिफिकेट लेकर ट्रैवल भी कर रहे हैं, डॉक्टर से ले रहे हैं, कौन से डॉक्टर ऐसे हमारे देश में गद्दार पैदा हुए हैं, सॉरी मुझे माफ़ करना मैं ये बोल रही हूँ, बट मैंने बहुत सारे लोगों को झूठे सर्टिफिकेट जो है वो वायरल होते हुए देखे हैं। मुझे भी दो चार लोगों का फ़ोन आया था, बट मैंने कहा नहीं मैं अपना कोरोना टेस्ट कराऊंगी। मैंने बार बार अभी तक कम से कम मैं 10-12 बार कोरोना टेस्ट करा चुकी हूँ, और ईश्वर परमेश्वर की दया से मुझे कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपना ख्याल रखती हूँ। विकी कौशल के लिए तो अक्षय कुमार जी सबके लिए मैं बहुत सैड हूँ, इतना जिम करते हैं वो लोग, तो इतना जिम करते हैं, मेरे जिम पार्टनर भी है। हाँ तो मैं तो गोवा में थी ना, तो 7-8 दिन नहीं आई, इसलिए मैं बच गई हूँ, क्या बोलूँ। और बस मैं तो सच कहती हूँ ऊपर वाले से अपने पापों की क्षमा मांगी है, क्योंकि मैं सच कहती हूँ ये जो बीमारी है ना, सब लोग कहते हैं वुहान से आई है, आई होगी, ऊपर वाला नहीं चाहेगा जब तक एक आपका पलकों का बाल भी हिल नहीं सकता, ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इंसान को अपने पापों के, हर इंसान पाप करता है, इवन मैंने भी किया होगा, तो हर अपने पापों की क्षमा मांगनी है, परमेश्वर बहुत दयालु है, वो क्षमा कर देंगे।